जयकारा पौना हारी बाबा जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जी नू प्यार करन वाली संगते, बोलिए साचे दरबार की जय। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन्हां युगां नाल बाबा जी दा की संबंध है और इन्हां युगां विच बाबा जी ने ऐसे केड़े कर्म कीते जो चौथे युग विच आके कलयुग विच आके बाबा जी अमर हो जांदे हन अते जन मानस दा कल्याण करदे हन। आओ अज इसी विधान ते चर्चा करांगे। बोलिए साचे दरबार की जय। पुराणा दे अनुसार सतयुग विच बाबा बालक नाथ जी जन्म लेंदे हन अते इस युग विच बाबा जी दा नाम स्कंद सी। इस युग विच बाबा जी ने भोले शंकर जी की आराधना की सी। सतयुग तो बाद हुण त्रेता युग आना सी। त्रेता युग विच भी बाबा जी जन्म लेंदे हन। त्रेता युग विच बाबा जी का नाम कौल सी। बाबा जी बाल अवस्था तो ही भोले शंकर की आराधना करते सी। समय का चक्कर चलता ही रहता है। सतयुग तो बाद त्रेता, त्रेता तो बाद द्वापर, द्वापर युग विच बाबा बालक नाथ ने जन्म लिया सी अते बाबा जी का नाम महाकाल सी। इत्थे भी बाबा जी ने भोले शंकर जी की आराधना कीती सी अते दीन दुखियां दी सहायता कीती अते कई भगतां नूं रब दे नाल जोड़िया। ज्यों ज्यों युग बीतते गए त्यों त्यों भोले शंकर जी दी दर्शना दी अभिलाषा वधदी गई क्योंकि हुण तीजा युग चल रहा सी। हुण उहदे मान होना सी कलयुग अते बाबा जी कलयुग विच मनुखी जीवन जीना नहीं सी चाहुंदे अते द्वापर युग विच ही भोले शंकर जी महाकौल बाबा बालक नाथ जी नूं दर्शन दिंदे हन अते वरदान दिंदे हन। मैं तुहाडे तिन्ना युगां दी भगती तो बहुत प्रसन्न हाँ। कलयुग विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो तुसी दूर रहोगे, लोकां दा आदर करोगे, थानू बाबा बालक नाथ दे नाम नाल जाणिया जावेगा, तुहाडी जय जयकार होवेगी। कलयुग विच बाबा जी दी जन्म दी विधि किद्दां बणदी है? अमर कथा सुनने दे लई माता पार्वती जी दा जिद करना, तोते दा अमर कथा सुनना अते तोते दा व्यास ऋषि दी पत्नी जी दी कुखों जन्म लेना। उस समय नौ नाथ 84 सिद्ध भी जन्म लेंदे हन जिन्हां विच्चों बाबा जी सर्वश्रेष्ठ नाथ है। कलयुग विच बाबा जी का जन्म स्थान गुजरात जूनागढ़ काठियावाड़ ब्राह्मण पिता विष्णु जी के घर माता लक्ष्मी जी की कुखों हुंदा है अते कलयुग विच जन मानस का कल्याण करते हैं।